लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बुधवार को मंडी में विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात की समीक्षा की। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी गुरुद्वारे में बनाए राहत शिविर में लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जाना और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मंडी दौरे में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी का हृदय छोटी काशी में काफी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी पंचवक्त्र महादेव मंदिर अपने स्थान पर अटल रहा है। मंदिर हमें एक बड़ी सीख प्रदान करता है कि हौसले अगर बुलंद हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें मिलकर हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। इसलिए ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा और इसके बाद सभी क्षेत्रों का जायजा लिया जाएगा। नमस्कार, बस बढ़िया सर जी। कैसे कैसे होगा आपका इसका प्लानिंग? हाँ जी, बस बढ़िया सर जी। कैसे कैसे होगा आपका इसका प्लानिंग? हाँ जी, कैसे कैसे करेंगे आप बाद में? मैंने पहले पूछा आपके एक टावड़ा से आए हैं भाई साहब, कुछ बल से आए हुए सेवा दार जी, उन्होंने थोड़ी रिक्वेस्ट की थी, रेडियो मांग रहे थे जी। सर आज मंदिर पे विजिट करने क्या हालात है थोड़ा? आज हम जिला मंडी का और जिला कुल्लू का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, और वो खुद भी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जो है वो आज जिला कुल्लू का दौरा कर रहे हैं। उनसे अभी बात हुई है, वो कुछ समय में मंडी भी आएंगे और थुनाग भी जाने का उनका कार्यक्रम है, जहाँ पे काफ़ी नुकसान जो है जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और मंडी का जो हमारा दिल है, छोटी काशी है, यहाँ पर भी जो है बहुत नुकसान हुआ है, मगर ये मैं समझता हूँ देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, ये जो है अभी भी इस आपदा के परिस्थितियों में भी जो है खड़ा है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर इफ़ वी हैव अ विल एंड तो रास्ता खुद ब खुद जो है वो नज़र आ जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है, हमें मिलकर आगे चलना है और हम पूरे तरीके से अपनी सरकार द्वारा भी हर तरीके से कार्य कर रहे हैं और केंद्र से भी पूरा सहयोग जो है वो मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करी है, हमने जो है वो हमारे जो केंद्रीय रोड मिनिस्टर है उनसे पिछले कल हमारी बात हुई है नितिन गडकरी जी से, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी हमारी यहाँ पर NHAI की सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज है, उसके लिए पूरा बजट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये कोई राजनीति का समय नहीं है, हमको मिलकर हिमाचल प्रदेश को और ख़ास करके मंडी और कुल्लू जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ के वापस पटरी ट्रैक पर आए जो है, हमारी व्यवस्था पूरी वापस आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज इसीलिए हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं और अभी यहाँ का जायज़ा लेंगे, इसके बाद मंडी के कुछ और इलाकों का जहाँ पर बाढ़ आई है, और उसके बाद कुल्लू और मनाली का जायज़ा लिया जाएगा और पूरे तरीके से इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, PWD द्वारा, क्योंकि जो ग्राउंड एग्जीक्यूशन है वो 95% जो है वो PWD डिपार्टमेंट द्वारा ही होनी है, तो उस पर हम पूरे तरीके से अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है सामान्य परिस्थिति प्रदेश में फिर से बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि 48 घंटे से ज्यादा हुई लगातार बारिश से कुल्लू और मंडी जिला में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की सरकार व प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की जा रही है। तो
हिमाचल प्रदेश में इस दो तीन दिन 72 घंटे जो लगातार दिन रात बारिश होती रही उससे बहुत क्षति हुई है, खास करके मंडी और कुल्लू क्षेत्र में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। और अब आज ही लगता है कि बारिश थमी है, तो आज हमने इस क्षेत्र का दौरा भी रखा और इस क्षेत्र में आकर जो जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा भी ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे लोगों को राहत देनी है। कई कई जगह इसके साथ जो लगते हुए मकान है उसमें घरों में पानी घुस गया था, वहाँ रेत भरा है, तो लोगों के लिए रिलीफ कैंप भी लगाए गए जिसमें उनको राशन भी बांटा जा रहा है और जो जो सहायता उनको चाहिए वो भी सरकार की तरफ से दी जा रही है।